एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ब्यूटीफुल साइड हेयर स्टाइल जो कि गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे एंड ऑफिस गर्ल्स के लिए, कॉलेज गर्ल्स के लिए सूट सलवार पे, लॉन्ग कुर्ती पे ये हेयर स्टाइल काफ़ी सूट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। हाँ, वीडियो जो भी आप मैं हेयर स्टाइल बता रही हूँ ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो तो ये सारे हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों पे। तो चलिए फर्स्ट हेयर स्टाइल हमारा साइड मांग से ही ये हेयर स्टाइल बनाऊँगी मैं। तो फर्स्ट में थोड़ा सा लेयर लेंगे और इनको मैं सिंपली चोटी बनाते जाऊंगी। और जब आप ये ब्राइड बनाते हो तो ध्यान रखिएगा कि जो एक लाइन से ही आपके सारे हेयर जाने चाहिए। खुद से बनाना थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है, बट आप लोग को मेरी सेल्फ वीडियोज अच्छी लगती हैं इसलिए मैं खुद से ही बना के सारी वीडियोज कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ आप लोग के साथ। ओके, इस तरीके से लाइन दिखनी चाहिए हेयर स्टाइल में जब आप ये साइड वाला हेयर स्टाइल बना रहे हो। तो किसी की हेल्प ले लोगे तो ये बहुत बारीक बारीक सा दिखेगा जिससे कि और भी प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। क्राउन एरिया के पास जाने के बाद से आपको सारे जो आपने हेयर लिए हैं उसको सिंपल ब्राइड बना देनी है इस तरीके से। इस तरीके से घुसने के बाद से इसको हम लोग सिंपली छोड़ देंगे। इसके बाद सेकंड लेयर एक और लेना है और इससे भी इसी तरीके से सिंपल चोटी बनाते जानी है। ओके, बस 2 लेयर्स ही बनाने हैं। 2 फ्रेंच ब्राइड साइड में बना लेनी है आपको। बाकी बचे बालों को सिंपल ब्राइड बना देना है। दोनों चोटियों को एक साथ ले लेना है, सिंपली बैक में ले जाके यहाँ से थोड़े से हेयर उठा लेने हैं और यहाँ पे इसको टिक टैक क्लिप से सेट कर देना है। टिक टैक क्लिप जब भी लगाते हो तो इसको क्रॉस करके लगाओ ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले ना, और ऊपर से ये सारे हेयर को कवर कर दो ताकि आपकी क्लिप्स दिखे ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। और इस साइड के हेयर आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो, बस सारे हेयर इस साइड ही आपके मतलब ओपन रहने चाहिए और आगे की तरफ रहने चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि तीनों हेयर स्टाइल हमारा साइड के लिए होगा, तो इस तरीके से 3 रबर्स मैंने ले लिया है हाथों में। उसके बाद से आपको पतली पतली सेक्शन लेनी है बालों की क्राउन एरिया तक, और यहाँ तक भी हेयर को पूरा यहाँ तक ऐसे पकड़ना है, टाइटली रखिएगा। मेरे यहाँ के हेयर थोड़े से छोटे छोटे हैं तो निकल जा रहे हैं, अगर आपके लॉन्ग होंगे तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। फिर यहाँ पे आपको एक रबड़ लगा देना है। ओके, रबड़ लगा के इसको थोड़ा सा टाइट करके छोड़ दीजिए। फिर से सेकेंड लेयर ले लीजिए, वहीं तक जहाँ पे आपने इस वाले लेयर का रबड़ लगाया है वहीं तक यहाँ पे भी लेयर लेना है और यहाँ पे रबड़ लगा देना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रबड़ लगा लिया है। इसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली ये हेयर के अंदर से इस तरीके से होल करना है
और रबड़ को पीछे की तरफ ले जाना है, ओके, पीछे की तरफ से निकाल देना है और इसको टाइट कर देना है। सेम सेकंड वाले लेयर में भी करना है, हाफ लेयर में से लेके जाना है और इसको ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से ले जाना है और इसको टाइट कर देना है। फिर जो आपने थर्ड वाला लेयर लिया था उसमें भी सेम यही करना है, हाफ लेयर में से फिंगर इंसर्ट करके ऊपर से नीचे की तरफ लेयर को लेके जाना है। जो आपने ये पतले पतले लेयर्स लिए हैं, रबड़ बैंड लगाए हैं इनको, अब तीनों हेयर्स को आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ओके, इस तरीके से तीनों लेयर्स को आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। और चाहो तो थोड़ा और टाइट लुक चाहिए तो इन तीनों लेयर्स को एक साथ पकड़ लो और उसी तरीके से पीछे की तरफ खींच के ले जाना है और यहाँ पे टिक टैक क्लिप से सेट कर देना है। और बैक से हेयर से कवर कर देना है अपने इन क्लिप्स को। और ये है सेकंड हेयर स्टाइल। तो ओपन हेयर में इस तरीके से आप ये सेकंड हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, इसी तरीके से पहले साइड की मांग निकाल लेनी है। मेरे यहाँ से थोड़े ज़्यादा ही हेयर शॉर्ट हैं तो मैंने इस तरीके से मांग निकाल ली है। उसके बाद से थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हैं और उसको ट्विस्ट करते जाना साथ साथ में, ताकि आपके फ्रंट से शॉर्ट हेयर हैं तो वो भी आ जाएं हेयर में ही, जब स्टाइल बना रहे हो उसके साथ आ जाएंगे इजीली अगर आप ट्विस्ट करके लेके जाते हो तो। ओके, ट्विस्ट करोगे तो आपकी लाइनिंग भी परफेक्ट दिखेगी, जो आप हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो वो अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे एक टिक टक क्लिप से इस वाले लेयर को सेट कर दो। फिर सेकेंड लेयर ले लो इसी तरीके से। ये ध्यान देना जो भी आप लाइन ले जा रहे हो वो प्रॉपर मतलब एक बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। इसी वाले क्लिप में आप चाहो तो सेट कर सकते हो। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, साइड हेयर स्टाइल का थर्ड हेयर स्टाइल। कॉलेज गर्ल्स पे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, सूट सलवार पे, लॉन्ग कुर्ती पे आप ये सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। काफ़ी प्यारा लग रहा है वैसे ये हेयर स्टाइल। फोर्थ हेयर स्टाइल में फिर से आपको थोड़ी सी पतले सेक्शन ले लेनी है इधर से साइड मांग की। थोड़ा सा पतला सा लेयर लेना है, थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, देन ब्राइड बनाते जाना है साथ साथ में। उल्टी चोटी बनाते हैं उस तरीके से, उल्टी फ्रेंच ब्राइड जो होती है उस तरीके से आपको बनानी है। ओके, इस तरीके से दोनों साइड से थोड़े थोड़े लेयर्स लेके एक साथ मिक्स करते जाना है ब्राइड के, और ब्राइड बनाते जानी है। इस तरीके से बनाते जाना है। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए हेयर स्टाइल जो भी मैं बताने।
तो इस तरीके से आपको फ्रेंच ब्राइड यहाँ पे बना लेनी है, उल्टी फ्रेंच ब्राइड इस तरीके से मैं बना रही हूँ। इसी तरीके से पूरे बालों को, बालों में ब्राइड गूंथनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस तरीके से मैंने ब्राइड बनाया है। फिर ब्राइड को थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से साइड से खींच लेना है। इससे क्या होगा कि आपके बालों में वॉल्यूम दिखेगा और आपकी ब्राइड चौड़ी दिखेगी। इस तरीके से खींचने के बाद से आप ये जो अपने ब्राइड स्कैल्प पे बनाई हुई है इसमें से भी खींच लेना है और बैक साइड में ले जाके यहाँ पे पिनअप कर देना है और ऊपर से बालों से इसको कवर कर देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल। तो फोर इजी ब्यूटीफुल साइड हेयर स्टाइल फॉर कॉलेज गर्ल लॉन्ग कुर्ती पटियाला सूट के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।